नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागी क्लब YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेरठ आउटर रिंग रोड के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। मेरठ में बनेगी 13 किलोमीटर लंबी इनर रिंग रोड, 4 लेन सड़क से मिलेगा जाम से छुटकारा, तेज होगा यातायात। जाम के समाधान व तेज यातायात के लिए शहर के लिए बड़ी खुशखबरी है। 13 किलोमीटर लंबी एक नई इनर रिंग रोड मिलने वाली है। यह कोई आश्वासन या प्रस्ताव की बातें नहीं है, बल्कि इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश हो गया है। यह रिंग रोड देहरादून हाईवे स्थित जटौली गांव से आबू नाला वन की दोनों पटरी से होते हुए गढ़ रोड पर काली नदी के पुल तक बनेगी। छावनी विधायक अमित अग्रवाल के प्रस्ताव पर इस रिंग रोड को स्वीकृति मिली है, जिसके लिए मंगलवार को उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर धन्यवाद ज्ञापित किया। उनके साथ उनके बेटे वरुण अग्रवाल भी रहे। दोनों पटरी पर सड़क बनाई जाएगी। एक पटरी पर 2 लेन की सड़क होगी। इस तरह से यह 4 लेन की रिंग रोड बन जाएगी। यह सड़क जटौली से शुरू होकर रुड़की रोड, सोफीपुर, लावट रोड को पार करके मीनाक्षीपुरम डिफेंस कॉलोनी के पास से हायते हुए मवाना रोड पहुंचेगी। यहां पर मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई 45 मीटर चौड़ी सड़क में मिल जाएगी। उसके बाद किला रोड पर डीएनजी स्कूल के पास से नाला पटरी होते हुए गढ़ रोड पर काली नदी तक पहुंचेगी। काली नदी पर नोबल स्कूल के सामने गढ़ रोड का जो पुल है, वहां तक यह रोड बनेगी। बेगम पुल से वेस्टर्न कचहरी रोड व ईस्टर्न कचहरी रोड होते हुए आबू नाला 2 पर जेल चुंगी तक 2.5 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड, भैंसाली मैदान से बच्चा पार्क तक 900 मीटर की एलिवेटेड रोड, औद्योगिक क्षेत्रों की लीज होल्ड प्लाट को फ्री होल्ड प्लाट किया जाए। पार्किंग का भी जताया आभार विधायक ने कहा कि उन्होंने मेरठ विकास प्राधिकरण, सिविल कोर्ट, महिला थाना, पुलिस लाइन, कलेक्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मेरठ कॉलेज क्षेत्र में पार्किंग की मांग रखी थी। इसके लिए मुख्यमंत्री से मांग की थी, जिसके लिए मेरठ विकास प्राधिकरण को निर्देश मिला है। प्राधिकरण ने अपनी कार्य योजना में पार्किंग को शामिल कर लिया है। इस मांग के पूरी होने पर भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।